हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। आज हम पढ़ेंगे डीएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। इतना बड़ा नाम, क्या होता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग? डीएसपी पढ़ने से पहले, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग जानने के पहले, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिग्नल क्या होता है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि सिग्नल क्या होता है। सिग्नल की डेफिनेशन है, सिग्नल इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट चेंजेस विद टाइम, फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर एक्सेट्रा। अभी ये क्या है? सबसे पहली बार मैंने पढ़ा था तो मेरी भी सर के ऊपर से गया था। तो चलो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि वो क्या होता है। इस चीज़ को आपने देखा है? हाँ यार, इसको तो सिग्नल कहते हैं। क्यों कहते हैं? अगर इसमें ये जो लाइट है, ये लाइफ टाइम के लिए सिर्फ रेड हो तो ये कुछ काम का है? नहीं। अगर ये लाइफ टाइम के लिए सिर्फ एक लाइट रेड है तो कुछ काम का नहीं है। हमें पता है कि ये कुछ टाइम बाद यहाँ पे येलो होती है और कुछ टाइम बाद ये ग्रीन होती है। तो अब अगर आप डेफिनेशन को ध्यान से पढ़े तो तब अब आपको कुछ समझेगा कि फिजिकल क्वांटिटी विथ चेंजेस विथ टाइम, कुछ टाइम बाद ये चेंज हो रही है। उसी तरह से दूसरे सिग्नल्स और ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटीज विद चेंजेस, कोई टेम्परेचर से भी चेंज होता है। कभी कभी हाई टेम्परेचर हो गया तो बढ़ जाएगा, कभी कभी लो टेम्परेचर हो गया तो वो चेंज हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी से। तो सिग्नल इज अ फिजिकल क्वांटिटी, दैट चेंजेस विद टाइम और फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर एक्सेट्रा। अब उसकी दूसरी डेफिनेशन देखी जाए तो सिग्नल इज अ फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे सिर्फ एक वन वेरिएबल है, ये टाइम से चेंज हो रहा है। उसी तरह से वो दो वेरिएबल से, टाइम और फ्रीक्वेंसी मिला के भी हो सकता है, टाइम और टेम्परेचर से भी हो सकता है। तो दो या ज़्यादा वेरिएबल के साथ भी वो एक फंक्शन है जो होता है। उसी तरह से वो रिप्रेजेंट करता है एक फिजिकल फॉर्मूला। अब कुछ सिग्नल्स इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं, कुछ नहीं कंटेन करते। ज़रूरी नहीं है कि सारे सिग्नल इन्फॉर्मेशन कंटेन करें। तो यहाँ ये इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, रेड मतलब स्टॉप, येलो मतलब कि गाड़ी स्टार्ट कीजिए, और ग्रीन मतलब गो। तो ये सिग्नल जैसे ही चेंज हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रहा है। तो हम सिग्नल क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है। सपोज आपने किसी को मैसेज भेजा तो आपके मोबाइल से वो एज अ सिग्नल जाता है और सामने वाले को जाता है। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि सिग्नल क्या होता है। तो दो फॉर्म के सिग्नल होते हैं, तो चलो देखते कैसे होते हैं। एक होता है एनालॉग और दूसरा होता है डिजिटल। तो उसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं उनको कॉम्प्लिकेटेड जो किताबों में लिखे हैं या फिर जो इंटरनेट पे बताए गए वो वाला बताऊंगा तो आप हिल जाओगे, कह रहे ये क्या कह रहा है, कुछ नहीं समझेगा। मैं आपको इजीएस्ट वे में बताता हूँ। ये आपने अपने मोबाइल में हमेशा देखा होगा, आपको एनालॉग क्लॉक चाहिए या डिजिटल, वो पूछता है आपसे। उसी तरह से एक एनालॉग सिग्नल फॉर्म होता है, दूसरा डिजिटल। एनालॉग में जब आप क्लॉक लेते हो तो आपको सबसे पहले टाइम में आवर का क्लॉक डंडा किधर है, मिनट का किधर है, सेकंड का किधर है, सब देखना पड़ता है, उसके बाद आपको टाइम पता चलता है। और डिजिटल में डायरेक्ट 1:50 हुए देख के पता चल जाता है। तो एनालॉग में एक और दो के बीच में हजारों नंबर्स होते हैं, और यहाँ पे डिजिटल में डायरेक्ट एक दो, हमें पता है कि एक के बाद सीधा दो आने वाला है नंबर्स में। यहाँ पे अगर हम ऐसा नोटिस करें तो 0.1 भी है, 0.2 भी है, ..2 है, और 0.1 और 0.1 के बीच में भी कितने नंबर होते हैं, 0.001। तो इतने सारे डेटा रखने के लिए कंप्यूटर में जगह नहीं है भाई। तो हम लोग डिजिटल ज़्यादा प्रेफर करते रहते देन एनालॉग, समझ रहे हो? सारे चीज़ें हम डिजिटल्स में करते हैं, इसीलिए हम पढ़ क्यों रहे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। एनालॉग में ये छोटी छोटी इतनी डीप में नंबर्स नहीं लेते, हम सीधा डिस्क्रीट वैल्यू लेते हैं कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, एंड .. तो एनालॉग और डिजिटल का भी डिफरेंस क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग क्या है। तो उसकी डेफिनेशन कुछ यहां है जो बहुत डरावनी दी गई है। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग दैट डील्स विद इंप्रूविजन ऑफ रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द डिजिटल कम्युनिकेशन बाय एम्प्लॉइंग मल्टीपल टेक्निक्स। अब अगर इसे ईजिएस्ट वे में कहा जाए तो एक ब्रांच है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का और इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का, जो सिग्नल को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। समझो मेरा एक सिग्नल है, थोड़ा खरबूरा है, मीन रफ है, उसको मैंने इनपुट सिग्नल लिया,
मैंने उस पर कुछ डीएसपी की टेक्निक्स डाली, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग करा, मीन्स टेक्निक्स उस पर कुछ अप्लाई करी, उस पर कुछ ऑपरेशन करे, तो मुझे एक स्मूथ सिग्नल आउटपुट मिला। तो इसीलिए किया जाता है और ये बहुत जगह यूज भी होता है। ये सिंगर्स जो आप हम सुनते हैं, बड़े बड़े सिंगर्स, इनकी वॉइस उतनी अच्छी नहीं होती जितनी हम सुन रहे हैं। वहाँ पे ऑडासिटी, ऑटो ट्यून, ये सब वो वहाँ पे एक्चुअल में डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग करते हैं, उनकी वॉइस को प्रोसेस करते हैं। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे भी बहुत सारी नॉइजेज है, तो उस नॉइज को रिमूव करने के लिए डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के ऑपरेशन होते हैं और हमें एक स्मूथ नॉइस मिलती है। उसी तरह से बहुत सारे जगह यूज होता है। एक और जगह देखा जाए तो आप ईसीजी करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे आपके बॉडी में पार्ट्स में ये लगाए जाते हैं और फिर हमें सिर्फ एक सिग्नल मिलता है। तो ये मल्टी चैनल को एक सिंगल सोर्स कर रहा है, तो वो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग कर रहा है। तो एक और चीज जो आपको जाननी जरूरी है कि सिस्टम क्या होता है, ये भी कॉन्सेप्ट में आता है। सिस्टम वो चीज है जो डीएसपी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इनपुट लेता है और आउटपुट देता है, इनपुट सिग्नल लेता है और डिजायर आउटपुट हमें देता है। तो सिस्टम इज अ मशीन और हाउ कैन से एनीथिंग विच परफॉर्म डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। तो क्लियर हो गया कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग क्या होती है। अब हम एक और कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। वैसे तो सिग्नल बहुत टाइप के होते हैं, जो हम देखने जाए तो डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, फलाना ढिमका, लेकिन ये दोनों आगे जो हम सम्स करने वाले हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। एक है पीरियोडिक और दूसरा है अपीरियोडिक। वेट अ सेकंड, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है? सपोज मैंने एक साइन वेव ली, अभी कुछ टाइम बाद साइन वेव हमें पता है रिपीट होती है, तो एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन प्लस कैपिटल एन। मतलब ये एक एक्स ऑफ एन है, उसके बाद अगर वही वेव वापस रिपीट हो रही है तो ये एक पीरियोडिक सिग्नल है। एक्स ऑफ एन, सपोजो ये मेरी एक्स ऑफ एन है, इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन प्लस एन, ये इसके इक्वल होनी चाहिए एन प्लस एन। मतलब सेम टू सेम दिखने वाली अगर वेव आगे कंटिन्यू हो रही है तो वो पीरियोडिक सिग्नल है। तो अपीरियोडिक क्या है? अपीरियोडिक सिग्नल समझो एक सिग्नल आ गया जो रैंडम ऐसा हो रहा है, मीन्स वो रिपीट नहीं कर रही उसकी चीजें, ये का ये इसके इक्वल नहीं है, तो इट इज नॉट पीरियोडिक सिग्नल, इट डज नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन x ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n प्लस n। इफ इट इज नॉट सेटिस्फाइड देन इट इज अपीरियोडिक सिग्नल। तो अब आगे हम जब सॉल्व करेंगे जो डिटरमाइन वेदर द सिग्नल इज पीरियोडिक और नॉट पीरियोडिक, तो सबसे पहले हम उनका एंड फाइंड करेंगे कि अगर पीरियोडिक है तो उसका फंडामेंटल पीरियड कितना है। थैंक यू सो मच, एक इंट्रोडक्शन था। आगे सारे टेक्निक्स डीएफटी, एफएफटी, कॉन्वोल्यूशन, लीनियर कॉन्वोल्यूशन, चेक इट इज पीरियोडिक और नॉट, सारी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन बहुत जल्द अपलोड होने वाले हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच टू सी द वीडियो। थैंक यू। You know.